नमस्कार आदाब, मैं अभिनव 24 आवर स्टूडेंट न्यूज चैनल से आज फिर आपके साथ हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत देश और विदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। वर्ल्ड बैंक ने कहा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रही है दुनिया। अमेरिका में यौन उत्पीड़न का आरोपी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार, दोस्त के पासपोर्ट पर भागने की कर रहा था कोशिश। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस का आरोप, चीन ने हुमला जिले के कई जिलों पर कब्जा किया, बोली सरकार सच छिपाकर देश को धोखा दे रही है। चीन पर साधा निशाना, ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला, वो चाहता तो इसे अपने देश में रोक सकता था, आज इससे पूरी दुनिया परेशान। चीनी राष्ट्रपति ने दिया भड़काने वाला बयान, शी जिनपिंग ने चीन की सेना से कहा युद्ध के लिए दिलो दिमाग से तैयार है, हाई अलर्ट लेवल की तैयारी रखने के आदेश। मुंबई के पुणे में भारी बारिश, मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा, थाने समेत पूरे उत्तरी कोंकण के ये 24 घंटे का रेड अलर्ट, तेलंगाना में मौत का आंकड़ा 30 हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप लागू, नहीं चलेंगे डीजल जनरेटर, हेल्थ इमरजेंसी आते ही निर्माण कार्यों इंडस्ट्री पर लगेगी रोक। देश में कोरोना 27 दिन में 2,00,000 एक्टिव केस कम हुए, नए केस आने की रफ्तार भी 3 हफ्ते में करीब 3% कम हुई। ट्रेन रिजर्वेशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं चलेगी TTE की मनमानी। 7 महीने बाद आज सिनेमा हॉल में देख सकेंगे फिल्म,